एमपी के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कभी राष्ट्र के गौरव की बात नहीं करते। आप उनके पिछले 3-4 सालों के ट्वीट देख लीजिए, जहां भी राष्ट्र के सम्मान की बात आई है उन्हें हमेशा तकलीफ हुई है। मिश्रा ने कहा, अभी कोई चुनाव नहीं है, जब चुनाव था तब कहीं कमलनाथ गए नहीं, अकेले छिंदवाड़ा में रहे और वहां भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस चापलूसी के मामले में अपने आप को बदलने के लिए राजी नहीं है। लक्ष्मण से अधिक राम को कौन जानेगा, परसादी लाल मीणा और नाना पटोले राहुल को राम बता रहे हैं और लक्ष्मण सिंह जी उन्हें आईना दिखा रहे हैं। एक बार देवकांत बरुआ ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, यानी कि इंदिरा से ही भारत है और भारत से ही इंदिरा, लेकिन अब तो इंदिरा जी नहीं है पर फिर भी भारत है। कांग्रेस में ऐसे ही चापलूसों की फौज है और खुद को राम से तुलना करने पर राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं कहा, जो चुनाव के वक्त कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर पंडित बन जाते हैं। राहुल गांधी पहले इंसान ही बन जाए वही बहुत है। उन्होंने कहा, कांग्रेसी अंतरात्मा की आवाज पर यदि वोट डाले तो जरूर जीत जाते थरूर। अच्छा, राम के बारे में लक्ष्मण से ज्यादा अच्छा कौन जानता हो? ये कांग्रेस के लोग अपने आप को बदलने पर राजी नहीं है। याद हो आपको, देवकांत बरुआ जी हुआ करते थे, उन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, भारत है, इंदिरा है तो भारत है, भारत है तो इंदिरा जी है। इंदिरा जी तो नहीं है पर भारत तो है। ऐसे ही कमोबेश ये जो चापलूसों की फौज है, जो माननीय लक्ष्मण सिंह जी विधायक जी ने सम्मानित ने बताई है, इनको चापलूसों को सोचना चाहिए। वो केरल के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसी तरह के सवाल उठाए हैं भगवान पर, और राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है। ये जो चुनाव के वक्त कोट के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं, खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं, एक शब्द नहीं हो रहा। चारों तरफ से कोई भगवान से तुलना इनकी कर रहा है। आदमी ही बन जाए पूरे वही पर्याप्त है। अगर अंतरात्मा की आवाज डाल पे वोट डालते कांग्रेस ही जरूर, तभी जीत पाते शशि थरूर। गृह मंत्री मिश्रा ने वैशाली ठक्कर सुसाइड मामले में कहा कि 2 लोगों के विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। दोनों आरोपियों पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। उनके मंगेतर बताए जाने वाले व्यक्ति से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। मिश्रा ने टीम इंडिया को एशिया कप के लिए पाकिस्तान न भेजने वाले फैसले पर कहा कि BCCI के सचिव जय शाह जी का आभार कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद जारी है तब तक भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की इन गतिविधियों के चलते हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में असुरक्षित महसूस करेंगे। 2 आरोपी थे, दोनों आरोपियों पर 5,000 का इनाम कर दिया गया है, लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है, सभी एयरपोर्ट को हिंदुस्तान भर के सूचना दी जा रही है, जिससे कि वो बाहर न चले जाएं देश। दोनों राहुल मलवानी और डिसा मलवानी, ये दोनों पर 5,000 का इनाम किया है। जो वैशाली ठक्कर जी हैं, उनके जो मंगेतर बताए जा रहे थे, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, US में है, अभी संपर्क नहीं हो पाया। जय शाह जी का आभार, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाता और आतंकी भेजना बंद नहीं करता है, तब तक टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए। असुरक्षा का वहाँ वातावरण हमारे खिलाड़ियों के अंदर रहता होगा और इसलिए निश्चित रूप से जय शाह जी को बहुत बधाई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।